बसमिल्लासल रसूल करीम हज के आदाब यह सफ़र सारी उम्र में अक्सर एक ही मरतबा होता है इसलिए मुनासिब है कि जब सफ़र हज का इरादा हो तो इसके मुतालिक मोतबर मोतबरमा के मतद रसाइल मंगवाकर उनका बहुत अहतमाम से दो चार मरतबा सफर से पहले मुताल कर ले ताकि ये बड़ी रकम जो इस सफर में खर्च होती है आदाब की रियायत के साथ खर्च होने की वजह से बेहतरीन मशरफ़ में खर्च हो ऐसा न हो कि जहालत और नावकफियत की वजह से कोई ऐसी हरकत कर जाए जिससे हज भी फासिल हो जाए सफर से पहले अगर इन रसाइल को चंद मरतबा मुतल कर ले तो मजामी से एक मुनासिबत पैदा होकर मौके पर अक्सर बातें याद आती रहेंगी और फिर फिर इन रसाइल को सफर में भी साथ रखें ताकि हर मौके पर इस जगह के अहकाम और आदाब देखे जा सकें अहले इल्म भी इन से मुस्तनी नहीं दर्स के वक्त इन मसाइल को पढ़ लेने से मुस्जर नहीं होते अक्सर देखा गया है कि जो हजरा दो तीन हज कर चुके हैं वो हज के मसाइल में अहल इल्म से जिनका पहले ही हज हो फोकियत ले जाते हैं इस जगह तमाम आदाब का अहाता मकसूद नहीं वो हर हर जगह के अलहदा हैं मुख्तरा चंद अहम अमूर का जिक्र किया जाता है हक तारा शाह का पाखिर शाद है व तज़वदू फ़ैर जदाद तकवा और जब हज का इरादा करो तो खर्च जरूर साथ लिया करो क्योंकि सबसे बड़ी बात खर्च लेने में भीख मांगने से बचे रहना है इस आयत शरीफा में सबसे अहम और सबसे मुकदम चीज की तरफ इशारा फरमाया है और वो ये है कि हज को जाने के वक्त रास्ते का खर्च साथ होना चाहिए महज तवकुल पर चल देना हर शख्स का काम नहीं अदीफ में कसरत से ये मजमून वारिद हुआ है बाद लोग बगैर खर्च के हज को चल देते हैं और कहते हैं कि हम मुतवल हैं फिर वहाँ पहुँच कर लोगों से सवाल करते हैं और ये वहाँ पहुँच कर लोगों से सवाल करते थे इस पर ये आयत शरीफा नाजिल हुई एक हदीस में है कि बाद लोग बग़ैर ज़ाद राह को हज को चले देते हैं और कहते थे कि जब हम हज को जाते हैं फिर भी अल्लाह जल्ला शाहू हमें न खिलाएगा इस पर यह आयत नाजिल हुई कि ज़ाद राह लिया करो बे, बेहतरीन ज़ाद राह वो है जो तुम्हारे चेहरों को लोगों के सामने होने से रोक दे यानी लोगों से सवाल की जिल्लत से रोक दे यहाँ एक अहम बात यह भी समझने के काबिल है कि तवक्ल बहुत ऊंची और आला और अफजल सिफ्त है लेकिन वो ज़ुबानी चीज़ नहीं बल्कि कल भी चीज है जिसका दिल इस कदर मुतमय हो कि उसको अपनी जेब में पैसा होने पर इतना अतमाद न हो जितना अल्लाह तजाने पर खजाने में होने पर होता है इसको तो्क़ल सजावार है और इसकी शान के मुनासिब है और जिसको ये दर्जा हासिल न हो इसके लिए मुनासिब नहीं यहाँ दो वाक़ काबिल गौर हैं एक हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तह का मशहूर क़स्ा है कि जब गजब तब्बू के वक्त हजूर अखदली व्म ने लोगों से चंदे की तहरीक फरमाई तो हज़रत अबू बख्र रजील्लाह जो कुछ घर में था सब कुछ ले आए कुछ भी घर में न छोड़ा दूसरा वाक्य यह है कि एक साहब एक बैजे के बक़दर सोने का डला लाए और हजूर अख्तर सल्ला वसल्लम की ख़िदमत में पेश करके अर्ज किया कि यह सदका है मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ़ से एराज फरमा लिया वो दूसरी तरफ से हाजिर हुए और यही अर्ज़ किया इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज फरमाते रहे और वो बार बार सामने आकर यही अर्ज करते रहे चौथी मरतबा हजूर ने उसको लेकर इस ज़ोर से फेंका कि अगर उनके लग जाता तो जख्मी कर देता फिर इर्शाद फरमाया बाज आदमी अपना सब कुछ सदका कर देते हैं फिर लोगों की तरफ दस्ते सवाल बढ़ाते हैं इन दो किस्सों से इसका सही अंदाज़ा हो जाता है कि तवक् किस हालत में सदावार है कि जो शख्स बिल्कुल खाली हाथ हो होकर भी न बेसब्री करे न दिल में अल्लाह ज्ला शाह हो और बंदों की तरफ से शक्वा पैदा हो न लोगों से सवाल करे इसको यकीन मुनासिब है और जो ऐसा न हो बल्कि दूसरों के लिए बार बने और बेसब्री शुक्री में मुबला हो उसके लिए हरगर्ज मुनासिब नहीं कि के बग़ैरजाद राह के महज तवक्ल पर चले अलज अशरम मालूमत फमनफरदफ़ी हिंद फलारफस ये आयत शरीफा भी आदाब हज के अहम तरीन आदाब को शामिल है हजूर अकदस वसम से नकल किया गया है कि जब हाजी हलाल माल के साथ हज को निकलता है और सवारी पर सवार होकर कहता है अल्लाहुम्मा अल्लाबैक तो फरिश्ता भी आसमान से उसकी तायद और तकवीत में लब्ब व सदीक कहता है यानी तेरा लब्ब कहना मकबूल हो वो फरिश्ता कहता है कि तेरा तोशा भी हलाल है तेरी सवारी भी हलाल है कि हलाल माल से हासिल हुए और तेरा हज भी मबरूर है इसका और कोई वबाल तुझ पर नहीं और जब आदमी हराम माल के साथ हज को जाता है और सवारी पर सवार होकर लब्बई कहता है तो फरिश्ता आसमान से कहता है कि ना लब्ब ना नासक यानी तेरा लब्ब गैर मकबूल तेरा तोशा हराम है तेरा ख़र्चा हराम है तेरा हज मासियत है ये हज मबरूर नहीं एक हदीस में है कि जब आदमी हराम माल के साथ हज को जाता है और लबैक कहता है तो अल्लाह जल्ला शानहू का पाक इरशाद होता है कि तेरी लबैक नहीं ये मरदूद है एक और हदीस में है कि अल्लाह जल्ला शानहू का पाक इरशाद होता है कि यह हज तेरा मरदूद है यानी मकबूल नहीं एक और हदीस में आया है कि जो शख्स हराम कमाई के साथ हज को जाए उसका सफ़र अल्लाह की इत में नहीं है और जब वो सवारी पर सवार होकर लब्बिक कहता है तो फरिश्ता कहता है कि ना लब्बैक ना सादय तेरी कमाई हराम तेरा लिबास हराम कि हराम कमाई से तैयार हुआ तेरी सवारी हराम तेरा तोशा हराम तो ऐसे हाल में लौट कर तुझ पर वबाल है और बुराई का मुजदा अपने साथ लेता जा और जब आदमी हलाल के माल के साथ हज को जाता है और वो सवारी पर सवार होकर लब्ब कहता है तो फरिश्ता भी इसके साथ लब्ब व सदीक कहता है और कहता है कि तेरी कमाई हलाल तेरा लिबास हलाल तेरी सवारी हलाल तेरा तोशा हलाल हज मबरूर के साथ वापस हो तुझ पर कोई बवाल नहीं एक हदीस में आया है कि हजरत मूसा सलातम ने हज किया तो सफ़ा मरवा के दरमियान वो लब्ब पढ़ते हुए दौड़ रहे थे कि आसमान से आवाज़ आई लब्ब अब्दी अना माका मेरे बंदे मैं भी लब्ब कहता हूँ और तेरे साथ हूँ यह सुनकर हजरत मूसलात सजदे में गिर गए हजरत जैन अलाब्दीन का किस्सा गुजर चुका है कि जब एहराम बांधा तो लब्बिक कहने के वक्त चेहरा जर्द हो गया और बदन पर कपकपी आ गई और लब्ब ना कह सके किसी ने दरियाफ्त किया तो फरमाया कि मुझे डर है कि इसके जवाब में ला लब्बैक ना कह दिया जाए कि तेरी लब्बैक मोतबर नहीं अगरचे फुका ने फा के नज़दीक हज फ़र्ज इससे भी अदा हो जाता है लेकिन वह हज मकबूल नहीं होता और इस हराम कमाई का गुना मुस्किल रहता है हम लोग इसमें बहुत तसाहल और गफलत करते हैं अपनी कुत और ज़ोर के घूम पर दूसरों के माल पर म से कब्जा कर लेते हैं और दिल में खुश होते हैं कि किसी की किसकी मजाल है जो हमसे मुतालबा कर सके या हम पर इल्ज़ाम कायम कर दे लेकिन कल जब हर मजलूम कवि होगा उस वक्त अपने इस जुल्म की हकीकत वाज होगी जब एक दानिक जो तकरीबन दो पैसे के बराबर होता है इसके बदले में सात सौ मकबूल नमाजें अदा करना पड़ेंगी हालांकि इतनी मकबूल नमाजें शायद हमारे पास हों भी नहीं लेकिन फी दो पैसे ये अदायगी क़्यामत में करना पड़ेगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा साहबा कराम रजी अल्लाह तुम से दरियाफ़त किया कि जानते हो मुफलिस कौन है सहाबा रजी ने अर्ज किया कि हम तो मुफल उसको कहते हैं जिसके पास मालो मताना हो हजूर सल्ला ने रिशात फरमाया कि मुफलिस तो वो है जो क्यामत के दिन बहुत सी नमाजें रोज़े वगैरह लेकर आएगा लेकिन किसी को दुनिया में गालियाँ दी थीं किसी पर तोमत लगाई थी किसी का माल खा लिया था किसी को मारा था क्यामत में इसकी नेकियों में से कुछ इसने ले लिया था ले लिया कुछ इसने इसकी नेकियों में से कुछ इसने ले लिया कुछ उसने ले लिया और जब निकियाँ ख़त्म हो गईं, तो इन मजलूम लोगों के गुनाह इसके जुल्म के बकदर लेकर इस पर डाल दिए जाएंगे और फिर जब निकियाँ ख़त्म हो गईं और गुनाह अपने अलावा दूसरों के भी सर पड़ गए तो उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजूर वसल्लम का पाक इरशाद है कि जिसके ज़िम्मे किसी दूसरे का हक हो आबरू रेज़ी का हो या किसी और किस्म का हो आज दुनिया में माफ करा ले कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें रुपया पैसा आदमी के पास न होगा अगर कोई नेक अमल इसके पास है तो इससे जुल्म का बदला अदा किया जाएगा और अगर इसके पास नेक अमल नहीं तो मजलूम के गुनाह इस पर लाद दिए जाएंगे एक हदीस में हजूर अख्त सल्लाम का पाक पाकिशाद है कि जो शख्स एक बालिश ज़मीन किसी दूसरे की जुल्म से छीन ले क्यामत के दिन वो हिस्सा सात जमीनों तक तोक बनाकर इस ालिम की गर्दन में डाल दिया जाएगा इसका जितना बोझ और वजन गर्दन पर पड़ेगा वो ज़ाहिर है एक मरतबा हजूर सल्ला सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ रहे थे उसमें हजूर सल्ला वसम के सामने जन्नत और जहन्नम के अहवाल ज़ाहिर हुए तो हजूर सल्ला वम ने जहन्नम में एक औरत को देखा जिसने किसी बिल्ली को दुनिया में बांध रखा था उसके खाने की खबरगिरी में कोताही की जिसकी वजह से उसको अजाब हो रहा था कि ना उसने इसके खाने की खबर रखी और ना उसको आज़ाद छोड़ा कि वो अपने कि वह अपने आप ज़मीन पर गिरी पड़ी चीज़ों से पेट भर लेती जो लोग जानवरों को पालते हैं उन पर इनकी खबर गिरी की बड़ी सख्त जिम्मेदारी है वो बेजुबान अक्सर भूख प्यास से मुबतला हो जाते हैं और इन पालने वालों को अपने कारोबार में ख्याल भी नहीं रहता एक हदीस में हुदूर हजूर अलैहि वम का पाक इरशाद है कि क्यामत में बदतरीन शख्स वो है जो दूसरे की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाए कि दूसरे ने किसी पर जुल्म किया आप ताल्लक के ज़ोर पर उसके हामी बन गए जिससे दुनिया का नफा तो उसको हासिल हुआ और आखिरत इसके साथ अपनी भी बर्बाद हुई इसलिए नहायत एहतमाम से ऐसे अमूर से बचना चाहिए और हर वक्त इसकी फ़िक्र चाहिए कि ना मालूम कब मौत आ जाए और ये वबाल सर पर रहे बिलखसूस सफर हज को जाते वक्त बहुत अहतमाम से इन अमूर से पाकि हासिल करे कि तवील सफर है ना मालूम वापसी मुकदर है या नहीं हज़रत इब्न अब्बा सदी अल्लाह फरमाते हैं कि एक नौ उम्र लड़के हजूर अख्तर सल्ला वम के साथ सवारी पर सवार थे इनकी नज़र औरतों पर पड़ गई और उनको देखने लगे हजूर सल्ला वसलम ने रिशात फरमाया भतीजे ये ऐसा दिन है कि जो शख्स इस दिन में अपने कान आँख और ज़ुबान की हिफाजत रखे इसकी मखफ़रत हो जाती है चूंकि मजमे का किस्सा होता है हर किस्म के मर्द औरत एक जगह जमा होते हैं इसलिए बहुत अहतमाम से इस दिन अपनी हिफाजत रखना जरूरी है ऐसा ना हो कि बदनजरी से या नामहरम की आवाज़ लफत से सुनने से या किसी नाजायज़ लफ्ज़ के ज़ुबान से निकालने से नी की बर्बाद गुनाह लाजिम हो जाए इसलिए कुरान पाक में भी इसको एहतमाम से जिक्र किया गया है के फमन फ़राफ़ी हिन्न हज अफला रफस अवला फसूक़ अवला जिदल हज के ये चीज़ें हज में नहीं होनी चाहिए नबी करीम सल्लासम का पाकिर्शाद है कि अगर आदमी की नज़र किसी अजनबी औरत पर पड़ जाए और वह फ़ौर अपनी नज़र को हटा ले तो हक तला शाह नसी इबादत की तोफ़ी अता फ़रमाते हैं जिसकी लजत और हलावत उसको महसूस होती है एक हदीस में है कि जब आदमी किसी अजनबी औरत के साथ तन्हा मकान में होता है तो तीसरा शख्स वहां शैतान होता है इस सफ़र में अक्सर औरतें नामहरमों के साथ सफ़र करती हैं और बसा औकात महरम के साथ होने की सूरत में भी आवारज़ की वजह से मकान में तनहा हो जाने की नौबत आ जाती है इसलिए बहुत अहतमाम से इसका लिहाज रखना चाहिए कि ऐसी नौबत ना आ सके एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत किसी नामहरम के साथ तन्हा मकान में न ठहरे और कोई औरत बगैर महरम के सफ़र न करे एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम फला गजवे में जाने वालों में लिखा है और मेरी बीवी हज को जा रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ अपनी बीवी के साथ हज को जाओ यहाँ जिहाद जैसी अहम चीज़ में जाने वाले साहबी को बीवी के हज की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौखर कर दिया एक हदीस में वारिद है कि जब औरत घर से निकलती है तो एक शैतान उसके साथ लग जाता है यानी खुद उसको बहकाने के लिए और दूसरों को उसकी तरफ मुतवज्जे करने के लिए हर वक्त कम वक्त ताक में लगा रहता है इसलिए महरम का ऐसी हालत में साथ रहना ज़रूरी है एक हदीस में है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में औरत के पास जाने की ममानियत फरमाई किसी ने अर्ज़ किया कि हुजूर अगर जाने वाला देवर हो यानी खामिन का भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर तो मौत है यानी इससे ज़्यादा अंदेशा और खौफ है और बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि हर वक्त का पास रहना है इसमें खतरात का ज्यादा अंदेशा है हदीस पाक में कान आँख वगैरह की हिफाजत को फरमाया है वो वो नामहरमों की बात सुनना या देखने के साथ मखसूस नहीं बल्कि किसी की गबत चुगल खोरी वगैरह सुनना या ज़ुबान से अदा करना सब ही इसमें दाखिल है इसी तरह हर किस्म की नाजायज चीज़ लाहब लाइब को देखना भी इसमें शामिल है एक सहाबी ने हजूर अलैहि सल्लम से सवाल किया कि हाजी की क्या शान होना चाहिए हजूर अलैहि वम ने फरमाया बिखरे हुए बालों वाला मेला को चला हो फिर दूसरे सहाबी ने सवाल किया कि हज कौन सा अफजल है हजूर अलैहि वम ने फरमाया जिसमें खूब लब्बई के साथ चिल्लाना हो और कुर्बानी का खूब खून बहाना हो इस हदीस शरीफ में तीन मजमून ज़िक्र किए ये कि हाजी की शान यह है कि बिखरे हुए बाल हों कपड़े मेले हों ये असल हाजी की शान है इसके शान की यह हरगिज़ मुनासिब नहीं कि इस हालत में भी जेब जीनत की तरफ मुतवज्जे हो इसी वजह से एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल नाजायज़ करार दिया गया कि आशिक को इन चीज़ों से क्या काम एक मरतबा जिलहज की आठ या नौ तारीख थी हजरत अखदस मौलाना अलहाज सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब नव्वरल्ला मरकद हु तशरीफ लाए मैंने इतर की शीशी मलने के लिए सामने की मौलाना ने इसको लेकर मला और नहायत ही ठंडा सांस भर के फरमाया आज उस इतर से रोक दिए गए हैं इससे अंदाज़ा होता है कि जिनके दिलों में इश्क का ज़ख़म है वो मक्का से दूर रहकर भी वहाँ के तस्वर की लज्जत हासिल करते रहते हैं मैंने अपने वाले साहब रहा को अक्सर देखा कि ल्जा के अवायल की तारीखों में अक्सर बेख्तियार उनके मुंह से लब्ब निकल जाती थी हक़ल शहू इस बात पर फ़रिश्तों से फ़ख्र करते हैं कि मेरे बंदे बिखरे हुए बाल और गुब्बारा आलूद कपड़ों से आए हैं और मतद्द अदीस में इस शफाखर का ज़िक्र आया है दूसरा मज़मून लब आवाज़ से पढ़ने का है ये भी कसरत से रवायात में आया है एक हदीस में आया है कि हजूर सल्ला वसम ने इर्शाद फरमाया कि हज़रत जबरा मेरे पास तशरीफ़ लाए और ये फरमाया कि अल्लाह चल्शाह का इर्शाद है कि तुम अपने साथियों को इसका हुक्म करो कि लबैक पुकार कर कहें इसलिए कि यह हज का शार है एक और हदीस में है कि हज़रत हदरजबीसम ने ख़ हजूर अकदर सल्ला वसलम से अर्ज़ किया कि आप लब्बिक पुकार कर कहें कि यह हज का शार है पहले भी हदीस में गुजर चुका है कि जब आदमी लब्बई कहता है तो उसके साथ हर पत्थर और दरख्त और ज़मीन भी लब्बई कहती है एक और हदीस में आया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लब्बई कहते थे तो हक ताला शानहू की तरफ से लब्बई या मूसा जवाब में इरशाद होता था तीसरा मजमून हदीफ बाला में कुर्बानी की कसरत है कुर्बानी मुस्तकिल इबादत है जो साहिब निसाब पर वाजिब है और जो साहिब निसाब न हो उसके लिए मुस्तहब है लेकिन हज में इसकी फजीलत और भी ज़्यादा है और उसकी कसरत मरगूब है खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज में सौ ऊंट कुर्बानी किए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम की सुन्नत है और कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक ने की है एक हदीस में है कि कुर्बानी का जानवर जब बा होता है तो पहला कतरा पहले कतरे पर कुर्बानी करने वाले के सब गुनाह माफ हो जाते हैं और क़्यामत के दिन कुर्बानी का जानवर माँ अपने खून और गोश्त वगैरह खिलाया जाएगा और सत्तर दर्जा ज्यादा वजनी बनाकर आमाल के तराजू में रखा जाएगा हजूर अकदर सल्ला वसम्म ने अपनी और अपनी तमाम उम्मत की तरफ़ से कुर्बानी की तो उम्मत को भी जेबा है कि अपनी कुर्बानी के साथ हजूर अकदर की तरफ़ से भी एक कुर्बानी किया करें हजरत अली रजी अल्लाह तहु हमेशा एक बकरा अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे और एक हजूर सल्लाम की तरफ से किसी ने आपसे दरियाफ़त किया तो आपने फ़रमाया कि मुझे हज़री अखतर सल्ला का इर्शाद है कि आप अलैहि व्म की तरफ से कुर्बानी करूँ इसलिए मैं हमेशा ऐसा करता रहूंगा हजरत उमर रजी अल्लाह तू अपने छोटे बच्चों की तरफ से ख़ुद कुर्बानी किया करते थे कुर्बानी दर हकीकत एक बहुत अहम यादगार है जिसकी तरफ हजूर सल्ला वम के पाकिर्शाद कि हज़रत इब्राहीम की सन्नत है में इशारा गुजर चुका है हज़रत इब्राहीम सलाम के बुढ़ापे की हालत में बड़ी तमन्नाओं से औलाद हुई और जब वो जब वो होनहार देखने के काबिल हुई कि बाप की भी देख कर रूह ताज़ा हो जाए तो उनको बाह करने का इशारा हुआ जो हकीकता हज़रत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अला नबी जिनातल के लिए बड़ा सख्त इम्तहान था दोनों बाप बेटों ने इस इम्तहान को पूरा करने में बशाशत से पेशकदमी की और हज़रत सलाम ने तेज़ छुरी लेकर साहबजादे के गले पर चला दी लेकिन अल्लाह ले ताला की कुदरत का यह अदना करिश्मा था कि इस अमल की तकमील बजाय साहबजादे के जानवर पर हुई लेकिन दक तर या तुमने अपना खब को सच कर दिखाया का मुजदा मिला तो हकीकता यह अपनी औलाद की कुर्बानी का बदल है जो महद अल्लाह तुफ व करम से इसका बदल बन गया इस वक्त यही तस्वर करना चाहिए कि गोया अपने नफ्स को और आलो औलाद को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ